पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन आयोजित हुआ है। सम्मेलन में शामिल होने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव समेत तमाम बड़े नेता कोलकाता पहुंचे। वहीं सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश भर में लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास हो रहा है। लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि याद रखना चाहिए कि किसी ने भी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो वो बीजेपी ने किया है और उसका सफाया दिल्ली में हुआ है। ये मैं भी करूंगा। मैं दीदी से मिलने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से दीदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सफाया किया है, एक ना एक दिन हम देश से बीजेपी का सफाया करेंगे। मैं आपसे मिलूंगा और देश की जो हालात है उन पर जरूर चर्चा पार्टी करेगी और ये तैयारी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात है भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रही है और विपक्ष की आवाज न उठे उसको दबाने का काम कर रहे हैं। आज लोकसभा जहां पर बहस इस बात की होनी चाहिए कि महंगाई